पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर चल रहे विवाद में अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म रईस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन की ताजा शिकार माहिरा खान हो सकती हैं। खबरें आ रही हैं कि रईस के मेकर्स माहिरा को किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से रिप्लेस करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रईस के प्रोड्यूसर्स पर यह दबाव काफी वक्त से बनाया जा रहा था कि माहिरा को हटाकर किसी इंडियन एक्ट्रेस के साथ फिल्म शूट की जाए, लेकिन उरी अटैक के बाद यह दबाव चरम पर पहुंच गया और ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तानी कलाकार के साथ शूट करना मुश्किल रहेगा। माहिरा के साथ देश से बाहर किसी लोकेशन पर शूट करने के विकल्पों पर भी विचार किया गया, लेकिन उनसे बात बनती नहीं दिखी, जिसके बाद यह तय किया गया कि फिल्म की रिलीज को स्मूथ बनाने के लिए माहिरा को रिप्लेस किया जाए। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्वीट किया है, जिससे इन हालात का अंदाजा लग सकता है। राहुल ने लिखा है, कुकर की सीटी बज चुकी है, आग देना बंद करें, रईस की लाइन नहीं, इसमें बेहतर डायलॉग्स हैं। राहुल के ट्वीट से लगता है जैसे कहना चाह रहे हो कि माहिरा का विरोध करने वाले अब हंगामा बंद करें, क्योंकि जो वो चाहते थे वैसा हो चुका है। रईस को फरहान अख्तर और रितेश सिधवाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म में लीड कैरेक्टर्स में दिखाई देंगे। माहिरा खान शाहरुख खान के साथ कुछ सीन्स शूट कर चुकी हैं। आपको बता दें कि कहा जा रहा था कि रईस अगले साल रिपब्लिक डे पर रिलीज की जाएगी, लेकिन अब जब फिल्म की एक्ट्रेस ही रिप्लेस होगी तो फिल्म की डेट तो जरूर पोस्टपोन होगी। अब देखते हैं कि आखिर कब सुपरस्टार शाहरुख की अपकमिंग फिल्म रईस रिलीज होती है।